नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। समाजवादी पार्टी के नेता रणवीर सिंह यादव जी ने गोविंद नगर पूर्व प्रत्याशी सम्राट विकास जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से अपने साथियों संग मनाया। मुख्य रूप से सुनील यादव, अरविंद यादव, संजय यादव, संतोष यादव, राहुल यादव, विनोद यादव, नसीम कुरैशी, रणवीर सिंह यादव, जितेंद्र यादव, राम कुमार विश्वकर्मा, एडवोकेट आनंद शर्मा, सरोज यादव, विनोद यादव उपस्थित रहे। आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं, वो किसके माध्यम से और कहाँ रखा है? ये गुजैनी स्टैंड है। अब मैं सम्राट विकास यादव 2019 के उपचुनाव में यहाँ प्रत्याशी रहा हूँ समाजवादी पार्टी से। और आज हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नौजवानों को सबसे चहेते नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे रणवीर यादव जी हैं, सुनील यादव जी हैं, अब संजय भाई हैं, फौजी चाचा हैं, बड़े ठाकुर हैं, अंशु भाई हैं, ये तमाम नौजवान साथियों ने मिलकर ये आयोजन किया है। आज किस तरह से आप लोगों ने खुशी जाहिर की है उनके जन्मदिन पर? देखिए, उनके जन्मदिन पर जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष का माहौल है। और हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने यह आह्वान किया कि पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादातर जन्मदिन के आयोजनों के बजाय वो जो है गरीब लोगों में राशन वितरण करें, उनको फल सामग्री वितरण करें, वृद्धा आश्रम में जाकर लोगों की मदद करें। वो भी काम मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे शाम को 8:30 के आसपास पंडकी वृद्धा आश्रम जाना है लोगों को खाना और फल वितरण करने। और ये जो केक काटने का कार्यक्रम था ये सुनिश्चित था, पहले से सुनिश्चित था। और ये केक अभी यहाँ पर जितने ऑटो के ड्राइवर हैं, रिक्शे चालक हैं, इन सब में वितरित किया जाएगा, मिठाइयाँ वितरित की जाएंगी।